बढ़ेंगे आगे। इंदौर से खबर है, कार से पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई है, तो कार चालक के पास हथियार भी बरामद किए गए हैं और सिग्नल तोड़कर ये कार चालक भाग रहा था, तो कार रोकने पर कार चढ़ाने की कोशिश की है। और इंदौर के सत्य साई चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि ट्रक अड़ाकर कार को पहले तो रोका गया, उसके बाद पिस्टल और रिवॉल्वर यहाँ से बरामद की गई है, तो लसूड़िया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये देखिए मौके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इंदौर से ये खबर है और कार का ये पूरा सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, जहां पर कार से पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। कार चालक जो बताया जा रहा है उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तो आप देखेंगे तस्वीरों में कि कैसे ये सिग्नल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था और जब कार रोकने की कोशिश पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई तो ये सी उन पर ही उल्टा कार चढ़ाने की कोशिश करता है। और इंदौर के सत्य साई चौराहे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ट्रक अड़ाकर कार को रोका गया और उसके बाद पिस्टल रिवॉल्वर बरामद किया गया है। तो लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, मौके की तस्वीर आपके सामने। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ गया। अखिलेश, आखिर ये इंदौर शहर को हो क्या रहा है, स्वच्छ शहर के नाम पर बनता जा रहा है? बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जो इंदौर में लगातार जो एक के बाद एक कई अनेक जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं पर जो इंदौर एक कहीं ना कहीं पर शर्मसार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक जो सीसीटीवी वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें कहीं ना कहीं पर जो इंदौर सहित और जो पुलिसकर्मी जो है कहीं ना कहीं पर उनका भय का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि हिट एंड रन इंदौर में हुआ है, जहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोज की तरह सत्साई चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान जो हुंडई जो सफेद रंग की जो कार वहां से गुजर रही थी, जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो वो जो कार चालक है वो कार को रोकने को तैयार नहीं था। और उसके बाद जो पुलिसकर्मी वो लगातार उसको प्रयास करते रहे कि जो गाड़ी है उसको रोक लिया जाए किसी ना किसी तरह, तो जो हेड कांस्टेबल हैं वो गाड़ी के बोनट पर बैठ गए और जो कार चालक था वो अंध गति से जो कार को वो शहर में दौड़ाता रहा और जो पुलिसकर्मी है वो बोनट पर ही बैठा रहा। पीछे से आ रहे जो सब इंस्पेक्टर है उन्होंने इस पूरे नजारे को देखा और उसके बाद जो उनके पास जो बुलेट गाड़ी थी बुलेट गाड़ी से कार का पीछा किया और साथ ही जो लसूड़िया थाने के पास पहुंचने के बाद जो एक ट्रक है उसे सीधे रोड पर लगवाया गया, तब जाकर कहीं ना कहीं पर जो कार है वो वहां पर जाकर रुकी। जब कार की तलाशी ली गई कई घंटों तक जो पुलिस है वो मशक्कत करती रही, जो आरोपी है वो गाड़ी से उतरने के लिए तैयार नहीं था, उसने गाड़ी को लॉक कर रखा था और जब टीआई को वहां पर बुलाया गया और उसके बाद जो उस युवक को कार से बाहर निकाला गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से दो एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल बरामद हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी भी असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि अभी जो आरोपी है उसके खिलाफ अभी केस दर्ज लसूड़िया थाने में नहीं किया गया, क्योंकि रसूखदारों के फोन थाना प्रभारी के पास पहुंच चुके, ऐसी जो सूचना है वो निकलकर सामने आ रही। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो पुलिसकर्मी है वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उसी दौरान ड्यूटी करने के दौरान जो कार चालक है वो वहां से गुजरा और उसके साथ ही उसने दो पुलिसकर्मियों की जान को खतरे में डाला, तो इस प्रकार जो हिट एंड रन का जो मामला इंदौर से सामने निकलकर सामने आया, तो कहीं ना कहीं झकझोर कर देने वाली है। जरूरी है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को तो दुरुस्त दिख रही है लेकिन क्राइम यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे समय पर रोकने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।